किला शारदा सिन्हा का कल निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली। आज उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना लाया जाएगा। सुबह 9:40 पर दिल्ली से फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। बेटे अंशुमान ने बताया कि पटना में ही शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा और वो अपने पिता के अंतिम संस्कार स्थल पर ही मां का भी अंतिम संस्कार करेंगे। शारदा सिन्हा का संगीत और उनकी आवाज हमेशा भारतीय लोक संगीत में अमर रहेगा। तो लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। कल दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज पार्थिव शरीर पटना पहुंचेगा। बेटे अंशुमान ने यह जानकारी दी है। दिल्ली से 9:40 वाली फ्लाइट से शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना पहुंचेगा। तो पिता के संस्कार स्थल के पास ही मां का अंतिम संस्कार करेंगे बेटे अंशुमन। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है जी। बिहार क्या पूरे देश की धरोहर थी वो, और मां मातृशोक से बड़ा शोक तो हो नहीं सकता इस संसार में। वो शोक है और मैं ये बात समझता हूँ कि हम परिजन हैं तो जो दुख हमें हो रहा है वो तो हमें होगा ही, हर किसी को होता है। पर वाकई में इनके जो श्रोतागण हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, बहुत दुखी हैं और ऑलमोस्ट सब ने रो रो करके फ़ोन किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये चली जाएंगी, छठी मैया ज़रूर इन्हें बचा के लाएंगे। ये सबका आस्था है सबकी ऐसी छठी माँ पे जी। बिहार के और जी मीडिया संवाददाता रजनीश जुड़ गए हमारे साथ पटना से। रजनीश बताएं क्या जानकारी है। देखिए शारदा सिन्हा नहीं रही और कल पटना दिल्ली एम्स में उनका निधन हुआ। हालांकि उनके चाहने वाले और तमाम सारे लोगों ने दुआ की थी और छठ जैसे महापर्व में जिस तरीके से उनके गीत जो है वो जुड़े हुए हैं और उनका एक जो प्रशंसक है और एक उनका जो चाहने वाला लोग है तो हर किसी की चाहत थी, लेकिन कल ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था तो लिहाजा अब शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को पटना लाया जा रहा है। 9:40 के फ्लाइट से पटना से दिल्ली से पटना लाया जाएगा और चूंकि पटना के घाट और छठ के गीत जो है वो आपस में एक कहे कि इस तरीके से एक संबंध है और पटना के घाट को लेकर भी उनके जो छठ के गीत रहे उसमें कई सारे बातों की चर्चा है। तो जहाँ पे उनके पति अभी इससे करीब कुछ ही महीना पहले उनका भी निधन हुआ है और उसके बाद से ही लगातार उनकी तबीयत जो है वो खराब होने लगी थी और पिछले दिनों ज्यादा तबीयत खराब हुई और उसके बाद फिर कल और परसों शाम से तो स्थिति इतनी खराब थी। फिर उन्हें वेंट पर और सपोर्ट सिस्टम के जरिए उन्हें उपचार देने की कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से उनकी सेहत में सुधार हो। तो अब उनका अंतिम संस्कार जो है पटना के घाट पर वही किया जाएगा जहाँ पे उनके पति का अंतिम संस्कार हुआ था और इसको लेकर यहाँ पे तैयारियां जो है वो की जा रही है। राजेंद्र नगर स्थित आवास में रहा करती थी शारदा सिन्हा अपने पति और बच्चों के साथ और पिछले बार के एक दृश्य जो है वो याद आ रहे हैं जब पटना में बारिश हुई थी बहुत ज्यादा और पानी पूरे पटना शहर जो है वो 3-4 फीट पानी जो है वो आ गए थे। तो उस समय उनका घर भी जो है इस चपेट में था और किसी तरीके से उन्हें निकाल कर लाया गया था पटना के नागेश्वर कॉलोनी स्थित साथ में जब हम थे वहां पे और अश्वनी चौबे के घर पे ले जाया गया था शारदा सिन्हा को। तो हम उस समय भी साथ में ही थे और कई सारी यादें हैं शारदा सिन्हा की। तो एक अपनी गायकी के जरिए उनके जो एक स्वर रहे हैं साथ ही साथ अपने जो तारतम्य स्थापित किया था अपने गानों के जरिए और लोगों के जहन में जो अपनी जगह बनाई थी वो शारदा सिन्हा आज नहीं रही और अब आज उनका अंतिम संस्कार पटना में होना है। दिल्ली से उनके पार्थिव शरीर को पटना लाया जाएगा और तमाम सारे जो उनके प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके जो गीतों के दीवाने हैं वो तमाम लोग जो है वो मरमाहत हो, चाहे वो आम हो या खास हो, लगातार फोन कॉल्स और साथ ही साथ उनके प्रति शोक संवेदना जो है वो आ रही है और आज पटना में शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा खरना के दिन। बिल्कुल रजनीश, आप बने रहे हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। तो शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर आज पटना पहुंचेगा और आज अंतिम संस्कार होगा, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे शारदा सिन्हा। कल देर रात एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है।